हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, आप लोगों को मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला यूनिट स्टार्ट करवाया था और जनरल फॉर्म बेस बताया था कि एपी सीरीज होती क्या है। एक बार रिमाइंडर भी दे रही हूँ मैं इसमें कैसे होती है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, ऐड हो रहा हो, दैट कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब उसी पर बेस्ड आपको एक्टिविटी बता रही हूँ, एक्टिविटी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल जो हम डेली देखते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह के तीन चार एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपने उसी से रिलेटेड कोई अपनी तरफ से एग्जांपल ढूंढकर या इन्हीं में से ढूंढकर आपको एक्टिविटी बनाकर भेजनी है। अब जैसे ये है, कॉइन्स रखे हमने, इधर हमने दो कॉइन्स रख दिए, फिर आगे फाइव कॉइन्स रख दिए, इधर हमने एट कॉइन्स रख दिए, इधर 11 रख दिए, इधर 14 रख दिए। देखो 2, 5, 8, 11, 14, ये हमारे पास एपी सीरीज बन रही है। कैसे कैसे पता चलता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5 में से 2 गए 3। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करो, 8 में से 5 गए 3। फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, 11 माइनस 8 3। फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करो, 14 में से 11 गए 3। सबको कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये कॉइन्स किस सीरीज में पड़े हैं? दैट आर इन द एपी सीरीज। ठीक है, इस तरह से ये आपने, अब इसको आपने एक्टिविटी की फॉर्म में कैसे बताना है, देखिए हाउ टू डू। यू हैव टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। जैसे मैंने कॉइन का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही आपने कोई एग्जाम्पल लेना है। आइदर ड्रा दैट इमेज और पेस्ट एन इमेज ऑफ दैट एग्जाम्पल ऑन A4 साइज शीट। आपने वो इमेज या तो ड्रा करनी है या उसको पेस्ट करना है इमेज लेकर। कलरफुल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, स्किल दिखाई देनी चाहिए आपकी। वो आपको A4 साइज शीट पर लगानी है। राइट द टर्म अलॉन्ग विद इमेज। अब उस जब इमेज बनाओगे तो क्या क्या लिखना है आपको? सीक्वेंस, मतलब वो क्या सीक्वेंस बन रहा है, सीरीज क्या बन रही है। nth टर्म क्या है उसकी, फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आपको सब लिखना है। ऑल्सो राइट डिटेल्स ऑफ दैट इमेज इन दिस फॉर्मूला। फिर उसको इस सारे फॉर्मूला में भी लिखना है। टर्म am, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और an उस नंबर पर जो वैल्यू आती है। ये आगे जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें बताती हूँ, ए क्या है 2। अब एन 1, 2, 3, 4, 5, ये एन 5। पांचवा नंबर पर क्या है 14। पांचवें नंबर पर जो 14 है वो ए एन है, और 5 क्या है एन 14 ए एन, और नंबर ऑफ टर्म्स है 5। ये फोर्थ नंबर पर है एन 4 है, तो ए 4 11 है। ये फर्क है एन और ए एन में। ठीक है, एन टर्म ए एन, ए 1 फर्स्ट टर्म, बी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये देखिए एक एग्जांपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन नाइट स्काई। ये देखिए यहाँ एक स्टार दिखाई दे रहा है, फिर उसमें से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 स्टार का भी बिग स्टार बना हुआ है, ए प्लस डी, यानी उसमें ये एक डी, एक बड़ा स्टार ऐड हो रहा है। फिर इस स्टार में ये एक बिग स्टार और ये टू बिग स्टार, मतलब 2D प्लस हो रहे हैं। इस स्मॉल स्टार में 1, 2, 3, 3 बिग स्टार, तो 3D। डी क्या है? अब इसमें से ये 13 हो गए, 13 में से ये 1 माइनस करोगे 12, ये कितने हैं 12, ये हैं 12, ये 24 और ये 125, ये कितने हैं 12, 12, 12, 36 और ये 137, ये सीक्वेंस। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे अपनी इमेज ड्रा करी या बनाई, ये एक एग्जांपल बता रही हूँ। इस तरह से आपको शीट बनानी है। सीक्वेंस, या आप सीक्वेंस लिखोगे, क्या लिखोगे, ये वाला सीक्वेंस 1, 3, 25, 37। nth टर्म, nth टर्म यानी a प्लस n माइनस 1d कौन सी आएगी। फर्स्ट टर्म क्या है 1, डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 1 12 लिखोगे, फिर an, an a1 प्लस n माइनस 1d,
इज 1 एन इज 4 डी इज 12, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है, आप कुछ भी निकालने को आ सकता है, तो आपको ये करके दिखाना है। डन। थर्ड देखिए, एप इन बाउलिंग गेम, ये आपने देखी होगी बचपन में, खेले होंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट टर्म में 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 1, ये 5 4 3 2 1, इसका सीक्वेंस दिखाई दे रहा है आपको, 1 1 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसको आपने उसी फॉर्म में लिखना है, सीक्वेंस एन एथ टर्म ए एम एन डी। ए पी इन योगा, ये पोस्चर दिखाए गए हैं सूर्य नमस्कार करते हुए, अब इसका भी सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या सीरीज बन रही है 5 6 7 8 9। अब इसमें A क्या है 5, D क्या है 6 minus 5 1, सीक्वेंस पता चल गया, D पता चल गया, A निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट ये है AP इन स्क्वेयर वेब, अब ये स्क्वेयर वेब बना हुआ है देखो, इसको भी क्रिएटिव मैनर में लगाया गया है, ये सबसे छोटा स्क्वेयर 2 सेंटीमीटर का, इसकी सारी साइड्स 2 है, उससे बड़ा स्क्वेयर 4 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा स्क्वेयर 6 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा स्क्वेयर 8 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा स्क्वेयर 10 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा स्क्वेयर 12 सेंटीमीटर का, और सबसे बड़ा 14 का, तो ये भी सीरीज बन रही है देखो, 2 4 6 8 10 12 14, ए इज 2, डी इज आल्सो 2, ए एन एन इज निकालोगे आप, ए एन 14 है, तो यहाँ से आपको एन भी निकल आएगा, ये कौन से नंबर पर है वैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से क्रिएटिव वे में बनाकर फिर आपने वो बताना है जो मैंने आपसे पूछा है। ये देखिए, एपी इन सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन में क्या है, ये एंगल्स, इसमें दो सीरीज बनती हैं, दो एक नंबर ऑफ साइड्स है, ये 3 साइड्स हैं, 4 हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं 8 हैं 9 हैं। अब देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360, पेंटागन के 5 साइड्स 5 एंगल्स का सम 540, या 6 साइड्स हैं 720, 7 साइड है 900, 8 साइड्स हैं 1080, 9 साइड्स हैं 1260। एक तो नंबर ऑफ साइड्स भी सीक्वेंस में चल रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, एपी सीरीज हो गई। अब इनके एंगल्स का सम भी देख लीजिए, 180 360 540 720 1900 1080 1260। अब इसमें भी थोड़ा सा करके, ए क्या है 180, अब इसको ए टू ए माइनस थ्री करके देख लीजिए, 180 180 180 आ रहा है, ए भी 180 है, डी भी 180 है, तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ ये लिखी हुई है, इसमें आपको बताया भी गया, इसमें आपको बनाकर दिखाना है, इसको आप और भी क्रिएटिव वे में दिखा सकते हो। तो मैंने जितने भी आइडियाज़ दिए हैं, आप इस तरह से बनाना चाहो, आपके माइंड में कोई और आइडिया हो, इस तरह से करना क्या है दोबारा सुन लीजिए, हाउ टू डू में आपको इन एग्जाम्पल्स को लेना है, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं इससे रिलेटेड ले लीजिए, उसकी इमेज को आपको पेस्ट करना है या ड्रा करना है A4 साइज शीट पे, कलरफुल शीट पे, बहुत ही क्रिएटिव मैनर में और स्किल दिखाते हुए, फिर उसमें सीक्वेंस लिखना है, एन टर्म फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और इस फॉर्मूले में उसको अडॉप्ट करना है। ये सारे आपको बता दिए हैं, इसके अलावा आपके माइंड में कोई आए तो आपने वो भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।